आज की ये कहानी उन लोगों का नज़रिया पूरी तरह से बदल देगी जिन्हें सिर्फ अपना काम ही बड़ा महत्वपूर्ण लगता है, औरों का काम आसान और छोटा। इस कहानी की शुरुआत होती है मंजू नाम की एक हाउसकीपर से, जो कि अपने मालिक के घर उसके बच्चों को कपड़े पहना रही थी। तभी उसकी मालकिन नीना शॉपिंग करके आती है। नीना यह देखकर मंजू अभी भी उसी बच्चे को तैयारी में लगी है गुस्सा हो जाती है और उसे डांट कर कहती है कि अब तक तुम्हें मेरे बेटे को तैयार नहीं किया। मंजू बड़े अदब से अपनी मालकिन को कहती है कि माफ़ कीजिए मैडम, मैं दूसरे कामों में लगी थी इसलिए थोड़ी देर हो गई। मुंह चढ़ाते हुए कहती है, ऐसा क्या बड़ा काम कर रही हो, घर में काम ही तो है फिर भी बिजी रहती हो। मंजू जो कि अपना काम बड़े अदब और ईमानदारी से करती है फिर भी यह सब शांति से सुन लेती है और कहती है कि माफ़ कीजिए मैडम, मैं अभी फटाफट बाबा को तैयार कर देती हूँ। नीना कहती है, ठीक है ठीक है, मैं दिन भर शॉपिंग करके बहुत थक गई हूँ, मैं अपने रूम में नहाने जा रही हूँ। और अपने साथ लाया हुआ सामान नीचे ज़मीन पर पटकते हुए कहती है, इसे तुम मेरे रूम में पहुँचा देना, और हाँ, मेरे बेटे की टी शर्ट पर अभी भी सिलवटें नज़र आ रही हैं, उन्हें इस्त्री करके सही करो। मंजू अभी भी शांत है, वह कहती है जी मैडम, और अपना वहां से चली जाती है। दोस्तों, यह घटना हमारे आपके मन में मंजू को दया और नीना के लिए नफरत पैदा कर सकती है, और शायद आप सोचेंगे कि क्या लोग भी दुनिया में ऐसे होते हैं, तो मैं कहूंगी कि हाँ होते हैं और हमारे पास ही होते हैं, मगर ऐसे लोगों से नफरत करने की नहीं बल्कि उनके विचार बदलने की ज़रूरत है। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। एक दिन नीना, उसका हस्बैंड गौरव, उसका बेटा, तीनों डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं और मंजू उनका खाना सर्व करने के लिए किचन में खाना सामान ला रही होती है, क्योंकि उसने एक साथ में तीन प्लेटें हाथ में पकड़ रखी होती हैं और उसे धीरे धीरे चलकर उन्हें संभालना पड़ रहा होता है। यह देखकर गौरव उसकी हेल्प करने के लिए सोचता है और अपनी कुर्सी से उठने ही वाला होता है कि तभी नीना उसे रोक लेती है और कहती है, तुम कहाँ जा रहे हो, उसे करने दो, वही तो उसका काम है, उसी का तो हम उसे पैसा देते हैं। मंजू जैसे तैसे बैलेंस करते हुए तीनों प्लेटें डाइनिंग टेबल पर लेकर आती है। जब वह नीना के सामने यह प्लेट रखती है तो उसे मटर पनीर देखकर नीना की आंखों गुस्से से बड़ी हो जाती हैं और वह तुरंत चिल्लाकर कहती है, तुम्हें थोड़ी सी भी अक्ल नहीं है क्या, ये सेम खाना इस हफ्ते में दूसरी बार परोस रही हो, तुरंत इसे यहाँ से उठाकर ले जाओ, कुछ नया बनाकर लाओ। गौरव को नीना का ऐसा दुर्व्यवहार अच्छा नहीं लगता, इसलिए वह उसे समझाने की कोशिश करता है। वह नीना से कहता है कि तुम्हें किसी से भी ऐसे बर्ताव नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर इंसान अपने काम में कितनी मेहनत लगा रहा है और वह उसका अंदाज़ा नहीं होता। नीना कहती है कि वो क्या बड़ा काम करती है, घर का काम ही तो करती है, भला उसे क्या मेहनत लगती होगी। गौरव कहता है, तुम ऐसा कह रही हो क्योंकि तुमने कभी उसका काम करके नहीं देखा। तभी नीना घमंड से अपने हाथ दिखाते हुए कहती है कि यह हाथ काम करने के लिए नहीं, शॉपिंग करने के लिए बने हैं, और हंसने लगती है। एक दिन जब मंजू किचन में बर्तन धो रही होती है तब नीना किचन में आ जाती है और वो पीछे से आवाज़ देते हुए कहती है कि जल्दी जल्दी यह काम करो, तुम्हारे लिए और भी काम है। अचानक तीव्र आवाज़ सुन के मंजू हड़बड़ा जाती है और उसके हाथ में से प्लेट गिर जाती है, वह नीचे गिरकर टूट जाती है। जैसे ही प्लेट टूटी हुई नज़र आती है, नीना गुस्से से आग बबूला होकर मंजू को खरी खोटी सुनाने लगती है, कहती है कि तुम्हें पता भी है यह प्लेट कितनी महंगी है। मंजू माफ़ी मांगते हुए कहती है, मैडम गलती से टूट गई, मैं खरीद के ला दूंगी। नीना अब और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है, अच्छा तुम गलती भी करोगी और उल्टा जवाब भी दोगी, ठीक है तुम्हें एक सबक सिखाना ही पड़ेगा, अपना सामान उठाओ और दफा हो जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें भी अभी नौकरी से निकालती हूँ। यह सुनकर मंजू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और
वह नीना से कहती है कि मैडम मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मुझे इस नौकरी की जरूरत है, मगर वह मंजू की एक नहीं सुनती और उसे नौकरी से निकाल देती है। तभी गौरव किचन में आ जाता है और नीना से पूछता है कि क्या हुआ, मुझे कुछ टूटने की आवाज आई सुनाई दी। तो सब ठीक तो है ना, नीना कहती है मैंने मंजू को नौकरी से निकाल दिया है, तुम कोई और हाउस कीपर हायर कर लो मेरा। मगर गौरव उसे साफ साफ शब्दों में मना करते हुए कहता है कि अब बहुत हुआ, मैं किसी भी नए व्यक्ति को काम पर नहीं रखने वाला हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि मंजू का काम इतना आसान है तो तुम ही घर का काम संभालो, और हाँ अगर तुम मना करोगी तो शॉपिंग के बारे में भूल जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें उसके लिए क्रेडिट कार्ड नहीं देने वाला। गौरव का ऐसा बदला हुआ रूप देखकर नीना उसे देखते ही रह जाती है। उसने सोचा घर का काम कितना मुश्किल होगा, ऐसा सोचकर उसके लिए राजी हो गई। दरअसल गौरव के ऐसे बर्ताव के पीछे का कारण बड़ा ही साफ साफ समझ आता था कि वह नीना को सारे काम करवा के जिन कामों को या ऐसे काम करने वालों को तुच्छ समझती है, उन्हें करने के लिए कितनी मेहनत और लगन लगती है, इसके बारे में जान सके। अगले दिन सुबह से ही नीना घर के काम में लग गई। जब वो अपने बच्चों को तैयार कर रही थी तो उसे पता चला कि बच्चों को तैयार करना कोई बच्चों वाला खेल नहीं। घर साफ सफाई करते करते उसकी हालत पतली हो गई। उसने अपने परिवार का पेट भर सके इसलिए घंटों रसोई घर में बिताए, और जब वह अपने बनाए हुए खाने को डाइनिंग टेबल पर लेकर आई तो उसके बेटे ने एक नज़र देखकर ही उस खाने को खाने से मना कर दिया। उस पल उसे एहसास हुआ कि जब कोई किसी के हार्ड वर्क के का सम्मान नहीं करता और कितना बुरा लगता है। खाना खत्म होने के बाद जब वो दुखी मन से बर्तन धो रही थी तब ध्यान ना देने के कारण उसे भी वैसी ही महंगी वाली प्लेट नीचे गिरकर टूट गई, जिसके तोड़ने पर उसने मंजू को नौकरी से निकाल दिया था। अब उसे पूरी तरह मंजू की मेहनत और काम में उसकी लगन का एहसास हो गया था और उसे मन ही मन पछतावा भी हो रहा था। थोड़े दिन नीना ने बड़ी मुश्किल से सारा काम करते हुए बिताए। एक दिन घर की साफ सफाई करके जब वह जमा कचरा फेंकने के लिए गई, कचरे की थैली उठा रही थी तभी उसके घर की डोरबेल बजी, और जब उसने दरवाजा खोला तो उसके चेहरे पे मुस्कान लौट आई। वहां पर मंजू खड़ी थी, उसके हाथ में सेम वही प्लेट थी जो उससे गलती से टूट गई थी। मंजू बोली, मैडम मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मैंने आपकी इतनी महंगी प्लेट तोड़ दी, इसलिए मैं ये प्लेट नहीं खरीद कर आपको लौटाने आई हूँ, और मेरी बाकी गलतियों के लिए भी हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। तब नीना ने उसे कहा कि तुम क्यों माफ़ी मांग रही हो, बल्कि माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए अपने खराब बर्ताव के लिए, और सच में मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि तुम्हारा काम कितना मुश्किल है जब तक मैंने खुद से उसे नहीं किया। अगर तुम्हारी मर्जी हो तो क्या प्लीज़ तुम वापस अपनी नौकरी पर आओगी, हमें और इस घर को तुम्हारी ज़रूरत है, मैं तुम्हारा पगार भी बढ़ा दूंगी क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम्हारा काम बहुत कठिन है। मंजू बहुत खुश होती है और कहती है कि ज़रूर मैं वापस आ जाऊँगी, और मुझे खुशी है कि आपने मेरे काम की रिस्पेक्ट की। मंजू नीना के हाथ में कचरे की थैली देखकर कहती है कि लाइए इसे मैं फेंक देती हूँ। नीना उसे मना कर देती है और कहती है कि मुझे करने दो, अब से मैं तुम्हारे काम में भी मदद करूँगी, बस इतना बता दो कि इसे फेंकना कहाँ है। दोनों हंसने लगती हैं। दोस्तों यह सिंपल सी कहानी हमें सिखाती है कि हम सिर्फ सोचकर या देखकर किसी को भी काम में कितनी मेहनत लगन या ध्यान लगता है यह नहीं जानते, इसलिए हमें इंसान के काम और उस इंसान की रिस्पेक्ट करनी चाहिए।